ईरान में 22 साल की महिला की हत्या को लेकर शुरू हुआ रोष थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजाब ना पहनने को लेकर महिला को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। इसी वजह से ईरान के कई हिस्सों में भारी विद्रोह प्रदर्शन चल रहा है। न्यूयॉर्क स्थित एक एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विद्रोह प्रदर्शन में अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान में एक सप्ताह पहले एक महिला की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ईरान में विद्रोह चल रहा है। आम लोग खास करके बड़ी संख्याओं में महिला हिजाब पहनने का विरोध जता रही हैं। न्यूयॉर्क की एजेंसी सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान का दावा है कि ईरान के विभिन्न विद्रोह प्रदर्शन में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ईरान ने आधिकारिक मौत का आंकड़ा गुरुवार तक 17 बताया था। अमीनी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए ईरान की राजधानी तेहरान और कुर्दिस्तान के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें ईरानी महिला सरकार के विरोध में हिजाब जला रही है और अपने बालों को काट रही है। और आपका क्या कहना है इस बारे में, आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना।